Welcome to competitive exams. This is 7th part of this paper, and this part will include MCQs from Islamic studies and general science. So question 61 is, meaning of Al-Araf is, Al-Araf ka maane kya hai? So the correct option here is, option C, borderland between heaven and hell. Achha, Jannat aur Jahannam ke beech mein jo borderland hai, usko Al-Araf kaha jata hai. अब अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो लिटरल मीनिंग अल आराफ इज हाइट्स, इसका लिटरल मीनिंग जो है वो हाइट्स है. अच्छा, ये जगह कौन सी है? अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, इट इज द प्लेस व्हिच विल बी इनहेबिटेड बाय द एवनली बैलेंस्ड इन देयर सेंस एंड वर्च्यूज. अब जो लोग जिनके अच्छे काम और बुरे काम जब बैलेंस हो जाए, मतलब उनके अच्छे काम और बुरे काम बराबर हो, तो उन लोगों को फिर अल आराफ में रखा जाएगा, जो कि जन्नत और जहन्नम दोनों के दरमियान में एक जगह है. The next question is, religion is goodwill, is saying of, मजहब नसीहत है. अब ये किसका फरमान है? ये सहाबी का फरमान है, ताबई का फरमान है, या सूफी का फरमान है? So the correct option here is, option D, none of these. ये फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो रसूल पाक का फरमान होता है उसको हम हदीस कहते हैं. अब जो तीनों ऑप्शन है इनमें से हदीस कोई नहीं है. So the correct option here is option D, none of these. और ये हदीस जो है ये है अल दीन उन नसीहा, दीन नसीहत है. The next question is, pillars of Islamic civilization are, अच्छा जो Islamic civilization है, Islamic तहजीब है, उनके pillars या सुतून कौन से है? So the correct option is, option C है, सलात, सौम, जकात और हज. अच्छा, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये pillars of Islamic civilization है. जो Islamic civilization है इसके पांच pillars है, वो पांच pillars कौन से है? पहला है the declaration of faith. अच्छा, आप पहला जो है वो आता है वो तौहीद है, शहादा, कि आप इस बात की गवाही दें कि अल्लाह पाक एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है. दूसरा जो है वो प्रेयर है, सलाह यानी नमाज. फिर है आल्म्स गिविंग यानी जकात. फिर है फास्टिंग, सौम मतलब रोजा. और इसके बाद आखिरी नंबर पे आता है पिलग्रिमेज मतलब हज. ये पांच जो है ये इस्लाम के पांच सुतून है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मीकात ऑफ हज फॉर आउटसाइडर्स हुजाज. जो बाहर के हुजाज है, जो लोकल नहीं है, उनके लिए कितने मीकात है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 5. अच्छा, अब जो टोटल मीकात है वो है हमारे पास 6, लेकिन जो बाहर के लिए है वो 5 है, और जो लोकल हुजाज के लिए है एक मीकात जो है वो लोकल हुजाज के लिए है. अब मीकात है क्या? मीकात इज द प्लेस वेयर हुजाज वेयर एहराम व्हेन दे आर परफॉर्मिंग हज और उमरा. जब हाजी हज करता है या उमरा करता है तो जिस जगह से वो एहराम बांधता है उस जगह को हम मीकात कहते हैं. अच्छा, जो आउटसाइडर्स मीकात है, जो आउटसाइडर्स के लिए मीकात है वो है कानून मनाजिल, यलमलम, दुल इर्क, अल जोहफा, दुल हुलेफा. और जो मीकात फॉर लोकल्स है वो है मस्जिद आयशा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग वॉज द पीरियड ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी. जो अब्बासिड डायनेस्टी थी उनकी हुकूमत कितने अरसे तक रही या कितनी लंबी थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 508 ईयर्स, मतलब 508 साल तक अब्बासिड डायनेस्टी ने हुकूमत की थी. अब अब्बासिड डायनेस्टी से अगर सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि उमैयद डायनेस्टी ने कब से कब तक हुकूमत की, सो 661 से लेकर 750 तक, और फिर 750 के बाद अब्बासिड डायनेस्टी आ गई जो 750 से लेकर 1258 तक इख्तदार में रही. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डाइड इन द ईयर ऑफ सारो. अच्छा, ईयर ऑफ सारो में कौन फौत हो गए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एंड हजरत अबू तालिब. अच्छा, ईयर ऑफ सारो जो है इसको आमुल हिजन भी कहा जाता है. हिजन भी जो है ना वो गम को कहा जाता है अरबी में. और इसको अगर देखा जाए तो नबुई के लिहाज से ये 10 नबुई थी, और जो कामन इरा था उसके लिहाज से ये 619 एडी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलातुल खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ. अच्छा, जो सलातुल खसूफ है वो किस टाइम अदा की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ल्यूनर इक्लिप्स. अच्छा, जब चांद ग्रहण हो जाता है तो उस वक्त जो नमाज अदा की जाती है उसको सलातुल खसूफ कहते हैं, और जब सूरज ग्रहण हो जाता है सालर इक्लिप्स, तो उस वक्त जो नमाज अदा की जाती है उसको कहते हैं सलातुल खसूफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद रसूलुल्लाह इज अ सेंटेंस. अच्छा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये कौन सी सेंटेंस है? अब अरबी के लिहाज से, अरबी ग्रामर के लिहाज से ये जुमला इंशाइया है, जुमला इफाइला है,
جملي اسمي خابرة ہے. اچھا so the correct option ہے option C جملي اسمي خبيرة. اچھا یہ جملي اسمي خبيرة کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ جملي اشائیہ کیا ہے. جملي اشائیہ جو ہے وہ further جو ہے نا اس کے 10 types ہیں. پھر جو دوسرا ہے جملي فعلية. جملي فعلية جو ہے it is a sentence in which the first word is verb or fail. جب پہلا لفظ جو ہے وہ verb یا fail ہو تو اس sentence کو عربی میں ہم کہیں گے جملي فعلية. अच्छा और जुमले इस्मिया खबीरा क्या है. जुमले इस्मिया खबीरा वो सेंटेंस है इन विच द फर्स्ट वर्ड इज नाउन और इसम. अगर पहला वर्ड उस जुमले में नाउन हो या इसम हो तो फिर उसको हम कहेंगे जुमले इस्मिया खबीरा. अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो मोहम्मद इज द फर्स्ट वर्ड और मोहम्मद जो है वो है ग्रामर के लिहाज से नाम है नाउन. तो जो नाउन पहले सेंटेंस में आते हैं उस सेंटेंस को हम अरबी ग्रामर में जुमले इस्मिया खबीरा कहते हैं. So the correct option here is option C. The next question is wind energy is the. अब ये जो wind energy है ये potential energy है transverse energy है या kinetic energy है. So the correct option here option C kinetic energy. अब ये kinetic energy क्यों है. Kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. अब जो object हरकत करता है और उस हरकत की वजह से उसमें जो energy होती है उस energy को हम kinetic energy कहते हैं. अब विंड जो होती है विंड हरकत करती है तभी विंड होती है तो इसी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी है. ये पोटेंशियल क्यों नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन. अब एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. मिसाल के तौर पर डैम को लिया जाए. डैम में अगर पानी ठहरा है अगर पानी ठहरा है वो हरकत नहीं करता अपनी जगह पे है लेकिन उन्होंने एक एनर्जी स्टोर की होती है और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ मेटियोरोलॉजी वाज. अच्छा जो मेटियोरोलॉजी है उसका फाउंडर कौन है. सो द करेक्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ मेटियोरोलॉजी कहा जाता है. अच्छा और मेटियोरोलॉजी है क्या. इट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना. एटमॉस्फेयर और इसके फिनोमेना को स्टडी करने को हम मेटियोरोलॉजी कहते हैं. सो हियर इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम.